हिमाचल प्रदेश की 14वीं राज्य स्तरीय वुशु चैंपियनशिप आईटीआई मंडी में संपन्न हो गई। प्रतियोगिता में विभिन्न जिलों के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में जूनियर वर्ग के 48 किलो भार से कम वर्ग के लड़कों की स्पर्धा में मंडी के राहुल ने स्वर्ण पदक जीता। इसके अलावा बिलासपुर के गौरव द्वितीय व कांगड़ा के अतुल तृतीय स्थान पर रहे। 52 किलो भार वर्ग से कम कैटेगरी में शिमला का शिवांग प्रथम, मंडी के विवेक कौंडल द्वितीय और बिलासपुर के सौरभ शर्मा तृतीय स्थान पर रहे। 56 किलो कम भार वर्ग में मंडी के दीपक प्रथम, कांगड़ा के शैल कौंडल द्वितीय व बिलासपुर के राहुल कौंडल तृतीय रहे। 60 किलो से कम भार वर्ग में मंडी के राहुल प्रथम, बिलासपुर के सौरभ द्वितीय रहे। इसके अलावा 65 किलो से कम भार वर्ग में मंडी के कृष्णकांत प्रथम, कांगड़ा के राहुल द्वितीय व बिलासपुर के शुभम तृतीय स्थान पर रहे। लड़कों की सब जूनियर वर्ग की 32 किलो से कम स्पर्धा में कांगड़ा के ऋतिक प्रथम, बिलासपुर के रितेश द्वितीय व मंडी के अंजू शर्मा तृतीय स्थान पर रहे। 36 किलो से कम भार वर्ग में बिलासपुर के धीरज प्रथम, मंडी के अंतरिक्ष द्वितीय व कांगड़ा के अक्षित व कुल्लू के शौर्य तृतीय स्थान पर रहे। 39 किलो से कम भार वर्ग में बिलासपुर के अभय प्रथम, कुल्लू के योगराज द्वितीय स्थान पर रहे। वहीं 42 किलो से कम भार वर्ग में बिलासपुर के संकेत प्रथम, मंडी के शिवेन द्वितीय व कुल्लू के शिवांग तृतीय स्थान पर रहे। साथ ही 45 किलो से कम भार वर्ग में कांगड़ा के अमन प्रथम, बिलासपुर के शुभम द्वितीय स्थान पर रहे। इसके अलावा 60 किलो से कम भार वर्ग में कांगड़ा का आयुष राणा प्रथम, मंडी के योगराज द्वितीय स्थान पर रहे। प्रतियोगिता के समापन पर इंजीनियर हरीश शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। देश वुशु चैंपियनशिप सब जूनियर जूनियर आईटीआई इस हॉल में शुरू होने जा रही है और ये जो हमारे स्पेक्टाकरा के खिलाड़ी हैं, मुझे पूरी उम्मीद है जो कोठी वर्सेस जो वो सुंदरनगर मैच चल रहा है, इसमें सुंदरनगर के खिलाड़ी ऑलरेडी नेशनल खेले हैं और आज हम इनका चयन करेंगे और कल ये पटल में जो बैडमिंटन हॉल में स्टेट स्पेक्टाकरा चैंपियनशिप होगी उसमें जो है वो मंडी जिला के 5 खिलाड़ी, 5 लड़के और 5 लड़कियाँ भाग लेगी। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए मंडी से अजय रांगड़ा की रिपोर्ट।